और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने जानबूझकर इनसे बदला लेने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप पुलिस को और बयान दो, हम आपको रहने नहीं देंगे। ठीक है, पुलिस को जिसने भी बयान दिया या जिसने भी स्टेटमेंट दिया, आप उससे क्या तुमको करना है, कानून निपटो, लेकिन बाकी लोग गरीबों का क्या उसके अंदर कसूर है? मेरा दावा है कि तुम पूरे नगदी पात्र के अंदर मुझे एक एग्रीमेंट बता देना। एक भंगार बाजार और कुटवाई रोड के तमाम ही हैकर्स, छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों के साथ में हम लोग पुलिस स्टेशन गए और हमने वहां पर भी यही अपील की, गुजारिश की कि भंगार बाजार, कुदवाई रोड या छोटा मोटा व्यापार करने वाले जो हैकर्स हैं, उन लोगों को सामने, सबे बारात है, रमजान महीना है, ईद का बड़ा त्यौहार है, इनकी भी रोजी रोटी चलना चाहिए। इसके लिए भंगार बाजार वालों को 14 नंबर स्कूल के ग्राउंड के अंदर पर्यायी जगह दे दी जाए, एक महीना डेढ़ महीने के लिए, ताकि इनका रोजी रोटी चलते रहे। और ईद के बाद दूसरी ज़मीन कई पर्यायी जगह हमेशा के लिए इंतज़ाम किया जाए, ये बात हमने वहाँ पर भी कही। उदवाई रोड के ऊपर जो रेडीमेड और छोटा मोटा धंधा व्यापार करते हैं, जो बीच रास्ते में लगाते हैं, जो भी शरायत कॉरपोरेशन या पुलिस डिपार्टमेंट लगाएगी, एक ठेला लगना चाहिए, ठोकर नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा अतिक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए, तमाम ही शरायत का हम लोग पालन करेंगे और उनको वहीं पर धंधा व्यापार करने दें। क्योंकि कुदवाई रोड के ऊपर ये जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, कपड़ा जूता चप्पल वगैरह बेचते हैं, रमज़ान महीना आ रहा है तो आवाम, जो गरीब आवाम है, सस्ता कपड़ा, अच्छा कपड़ा मिलता है तो इनसे लेगी। तो इसके लिए उन लोगों को रमज़ान महीने के सामने रखते हुए, शहर के लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी अतिक्रमण ना हो और कोई शरायत के मुताबिक इन लोगों को धंधा व्यापार करने दें। असल में ये दो डिमांड लेकर हम लोग सिटी पुलिस स्टेशन भी गए और कॉरपोरेशन भी आए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हम लोग 2 घंटा यहाँ पर बैठे, लेकिन शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर शहर के दौरे पर है ऐसा हमको बोला जा रहा है, और राजू खैरनार साहब वो यहाँ पर 2 मरतबा आए और वो ये बात बोल रहे हैं कि 5 लोग अंदर चलिए हम बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सब लोगों के सामने बातचीत हो और कोई ना कोई रास्ता निकले, हम कोई लड़ाई झगड़ा या आंदोलन करने के लिए नहीं बैठे। जब हम यहाँ पर आए तो गेट के ऊपर रोक दिया गया गार्ड के जरिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ वेटिंग में बैठे। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कमिश्नर साहब को शायद गरीबों से, छोटा मोटा व्यापार करने वालों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। असल में उनका बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लोगों से बात करने में इंटरेस्ट होता है, बड़े बड़े 50 करोड़ 20 करोड़ 50 100 करोड़ 200 करोड़, बड़े बड़े टेंडर वालों से बात करने का इंटरेस्ट होता है, गरीबों से बात करने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल आज हम आपके जरिए प्रशासन को, कमिश्नर को ये बात पहुंचाना चाहते कि ये शहर की आवाम, ये शहर के छोटा मोटा व्यापार करने वालों की मदद कॉरपोरेशन करे। अगर कॉरपोरेशन 2 दिन के अंदर ये फैसला नहीं लेगी तो कमिश्नर साहब को मैं ये बताऊंगा कि मालेगांव शहर रेंज कितना बड़ा है, शहर की पॉपुलेशन कितनी है और आप कॉरपोरेशन में कितना वक्त देते हो, ये तमाम ही चीज़ें 2 दिन के बाद मैं बताऊँगा। और नहीं तो कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब ने 2 दिन के अंदर अंदर इन लोगों का हल निकालना चाहिए। आज मैं यही बात छोड़कर जा रहा हूं और 2 दिन के बाद कमिश्नर वर्सेस शेख आसिफ होगा, कमिश्नर वर्सेस छोटा मोटा व्यापार करने वाले होंगे, कमिश्नर ने इस बात को नोन करना चाहिए। और शहर का लैंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो इसकी जिम्मेदार गोसावी कमिश्नर मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे, और जो बीड मुकादम जो घूमते हैं, जो हराम का पैसा ढूंढते घूमते हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं, गरीबों को सताने का काम करते हैं, और वो कैसे शहर के अंदर घूमते, उसके बाद मैं 2 दिन बाद वो भी मैं देखूंगा।